Hello, students. Welcome to CG Board Online classes. So, today we are going to start our new topic of English grammar that is uses of seems and for. So, we have done six tenses. Okay. So, we have completed simple present tense and present continuous tense. Similarly, simple past and past continuous, simple future and future continuous tense. So, before starting the perfect tenses, perfect tenses means simple, uh, sorry, present perfect, past perfect, and future perfect. And before starting perfect continuous tenses, that is, present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous tense. First, we will understand the uses of since and for. क्योंकि जो आपके परफेक्ट टेंसेस है उनमें एंड फॉर का यूज होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहा आपको यूज करना है और कहा आपको फॉर यूज करना है आप समझ रहे होंगे वट इज द मीनिंग ऑफ सीन्स द मीनिंग ऑफ फॉर तो आपके सिंस और फॉर की मीनिंग वेरी होती है फॉर की मीनिंग आप समझते होंगे दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है सो so, फॉर की मीनिंग हो गई के लिए सिंस सिंस लास्ट नाइट अगर मैंने कहा मतलब कल रात से तो यहाँ पर सीन्स आपका टाइम के रेस्पेक्ट में यूज हो रहा है ओके और यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस दैट्स वाई यू डिडेंट डू की क्योंकि तुम ये नहीं करना चाहते थे इसलिए तुम ये नहीं किए तो सिंस का यूज यहाँ पर डिफरेंट सेंस में हुआ है ठीक है बट हम सीन्स और फॉर का यूज इस वीडियो में करने वाले हैं जो समझने वाले हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में बिकॉज टेंस टेंींस टाइम ऑफ एक्शन सो टाइम ऑफ एक्शन के रेस्पेक्ट में हम सीन्स एंड फॉर का यूज समझेंगे कि कहा आपको यूज करना है परफेक्ट परफेक्ट टेंस टेंस में में या फिर में और कहा आपको फॉर यूज करना है ओके okay? सो so, ये जो आपका फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है सीन्स एंड फॉर का ये दो समरी है ओके okay? सो so, हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली फॉर से ओके यूज ऑफ फॉर फॉर का क्या यूज होता है वी यूज फॉर व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन व्हेन वी से हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट्स जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते ओके okay? आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओके ड्यूरेशन की ड्यूरेशन एक एक लंबा एक टाइम पीरियड होता है ठीक है ना कि ड्यूरेशन मींस पीरियड ऑफ टाइम जैसे यहां लिखा है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम पीरियड so, जो होगा वो आपका कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का होगा ना एक अवधि को एक अंतराल को शो करेगा एक फिक्स टाइम पॉइंट को शो नहीं करेगा टू मेजर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नॉट द प्रेजेंट टेंस ठीक है अगर हमें किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करना है अप टू द प्रेजेंट ठीक है कि इस समय तक काम चला इस समय तक काम हो चुका है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चला है काम आपका यूज प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस एंड नॉट द उस समय हम प्रेजेंट टेंस का बात नहीं करते हैं कि मैं स्कूल जाती हूँ तो ये जो स्कूल जाने का काम है ये तो रेगुलरली हो रहा है बट अगर मैं कह दी कि मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक ड्यूरेशन में काम कंप्लीट हुआ है कि पहुंचने तक का कितना टाइम लगा दैट इज योर परफेक्ट टेंस तो वहां आपको क्या यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम ठीक है सो टू मेजर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट प्रेजेंट में कहा तक के कंप्लीट हुई एक्शन उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नॉट द प्रेजेंट टेंस दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके सो so, सबसे पहले फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम ओके अब पीरियड ऑफ टाइम किसे किसे कहते हैं एग्जाम्पल दे एक्सरसाइज फॉर टू आवर्स एवरी डे तो यहां पर कहा यूज हुआ है आपका प्रेजेंट टेंस ठीक है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर का यूज इस तरीके से होगा दे एक्सरसाइज फॉर टू आवर्स एवरी डे सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कैसे यूज होगा दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर थ्री आवर्स टूडे की आज वो तीन घंटों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज प्रेजेंट पर ही टाइम वो मॉस्को में बहुत लंबे समय तक रह चुका है ठीक है सो हियर परफेक्टेंस ठीक है तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ठीक है के लिए जो हम करेंगे आगे ओके so, ये तो normal use हुए और में कि मैं दो घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ मैं तीन महीनों के लिए रहने जा रहा हूँ बट जब मैं बोलूंगी कि मैं इतने टाइम तक के लिए रह चुका हूँ सो दैट इज योर परफेक्ट टेंस ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि मैंने कहा चुका हूं

कोई कभी कभी भी जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें मतलब एकदम फिक्स टाइम जैसे मैंने कहा सेवन ओ क्लॉक मैंने यहाँ पे सात आवर्स नहीं कहा सेवन आवर्स नहीं किया सेवन आवर्स मीन्स आपका एक ड्यूरेशन हो गया कि सात घंटों के लिए बट आपको नहीं पता कौन से सेवन आवर्स बट जब मैंने कहा सेवन ओ क्लॉक तो मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है सो हियर सिंस इज यूज्ड स्टार्टिंग की, 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 की जाती है जब आपका टाइम स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग टाइम देन सिंस इज यूज इट रिफर्स टू वेन थिंग बिगेन ये बता रहा है कि कौन वो जो थिंग थी वो जो वर्क था ये एक्शन थी कब स्टार्ट हुई सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ ठीक है मींस पास्ट में कभी भी जैसे सात बजे छह बजे या किसी टाइम पे वर्क स्टार्ट हुआ और अब तक के वो चल रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्लॉक मैं सात बजे से इंतजार करता आ रहा हूं से रहा हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था सेवन ओ क्लॉक

आपने सिंपल प्रेजेंट भी देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी देखा प्रेजेंट परफेक्ट भी देखा प्रेजेंट परफेक्ट भी देखा। सिमिलरली आपने पास्ट के भी देखे एंड फ्यूचर के भी यूज देखे फॉर के साथ ओके फॉर मोस्टली सभी टेंसेस में यूज होता है बट सीन्स आपका यूज होता है ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट ओके प्रेजेंट के भी परफेक्ट टेंस में पास्ट के परफेक्ट टेंस में या फिर आप कहेंगे फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस फाइव ओ क्लॉक मैं यहाँ सुबह पांच बजे से या पांच बजे से हूँ और मैं क्या हो गया हूँ अब थक गया हूँ आई हैड बीन वर्किंग सिंस फाइव ओ क्लॉक एंड आई वॉज गेटिंग टायर्ड मैं पांच बजे से वर्क कर रहा था इसलिए मैं थक गया था ठीक है है यहां पर यहां एम है, so यह present है, आपका past है. ये आपका स्ट्रक्चर सिंस को हम किस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं इट हैज बीन प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सिंस ठीक है ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है देखिए जैसे कि इट हैज बीन टू सिंस आई लास्ट सॉ हर ठीक है अब देखिए जब भी यहां पर सिंस आई लास्ट सा कि ये एक टाइम को बता रहा है कि जब वो उससे मिला या उसे देखा उस टाइम के बाद से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका फिक्स्ड हो गया है ठीक है सो सिंस यूज होगा इट हैज बीन टू सिंस आई लॉस्ट सा हर इट हैज बीन थ्री ईयर्स सींस द लास्ट यस सींस द लास्ट सनडे यू कैन से ओके सो हियर यू हैव सीन की आपका जो सीन्स एंड सीन्स का यूज है फिक्स्ड जो स्टार्टिंग प्वाइंट है अगर आपको पता है फिक्स टाइम है स्टार्टिंग प्वाइंट तो आप सीन्स का यूज करेंगे अगर आपको किसी ड्यूरेशन के बारे में बात करनी है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में

डेड वन फिफ्टी ईयर्स मार्च शी लेफ्ट स्कूल द बिगनिंग अ कपल ऑफ सेकेंड्स ही अराइव्ड हाउ मैनीइन थर्टी ए एम नाइन मंथस माई चाइल्ड हुड थ्री सेंचुरीज सो आपको एक कॉलम है फॉर के लिए और एक है सिंस के लिए आपको इनमें से कैटेगराइज करना है आपको करेक्ट वर्ड्स है ना कि किस में आपका कौन सा टाइम पीरियड आएगा कि फॉर एग्जाम्पल अ लॉन्ग टाइम अ लॉन्ग टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने उसे बहुत लंबे समय से देखा ही नहीं है ओके सिंस नून अगर आपका नून है या फिर आप कहें सिंस मंडे uh,

तो आप देख रहे हैं हर जगह आपको पीरियड का पता चल रहा है कि एक लंबे टाइम की बात की जा रही है ऐसा तो नहीं पता चला लॉन्ग टाइम में आप कैसे बताएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था स्टार्टिंग टाइम यू डोंट नो फॉर थ्री डेज थ्री डेज बोल दिया हमने तीन दिन बट अगर मैं बोलूंगी थर्ड डे ठीक है थ्री डेज से तो आपको एक पर्टिक एक ड्यूरेशन का पता चल रहा है कि इन तीन दिनों में फॉर टू आवर्स ओके फॉर एवर फॉर एवर फॉर फिफ्टी वन फिफ्टी ईयर फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड फॉर हाउ मेनी वीक्स फॉर नाइन मंथुरी सारे फॉर के लिए है ओके नाउल केस ऑफ सीन्स ओके कॉलम में आपका नून सो तो आपको क्लियर है कि फिक्स टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम है

ओके, okay? so, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या है तो ये सिंस ही अराइव्ड ठीक है सिंस बिगनिंग स्कूल एटलीस्ट आपको फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पता है दैट्स सिंस विल बी हियर, ओके? सो ये आपकी सिंस एंड फॉर का यूज था अब हम इसको समराइज करेंगे इसको शॉर्ट में समझेंगे ओके okay? सिंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये देखिए ये लिखा है ओके सिंस इज यूज्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंटिन्यूस एंडिल नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ओके या फिर आप कह सकते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर फोर इयर्स ओके नाव आई हैव बीन लिविंग इन जपैन सिंस टू थाउजेंड ट्वेल्व अगर टू थाउजेंड ट्वेल्व आ गया तो since. फॉर फोर इन तो फोर इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम फॉर पीरियड ऑफ टाइम प्लस नंबर प्लस टाइम वर्ड जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम कैसे होता है आपका फॉर नंबर हो गया थ्री टाइम वर्ड क्या हो गया थ्री मंथस नेक्स्ट इज सिंस स्टार्टिंग पॉइंट और अ डेट अगर कोई फिक्स डेट होती है या स्टार्टिंग टाइम होता है थ्री ओ क्लॉक थ्री पी एम थ्री थर्टी देन यू हैव टू यूज सिंस ओकेर फॉर वेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ सम थिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट जब हम किसी का ड्यूरेशन मेजर करते हैं यूज इन डिफरेंट टेंसेज कि इसका स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है और सारे है ना सारे मोस्टली सभी टेंस में यूज हो सकता है बट सिंस इज मोस्टली यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में ठीक है आपके परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ही यूज होता है एंड सिंस इज यूज वेन समथिंग इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस एंटिल नाउ कि कोई भी चीज जब आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी तक वो चल रही है तब आपको क्या यूज करना है सिंस ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल आप फॉर के एग्जाम्पल देखेंगे ओके आई स्टडीड इंग्लिश इन आयरलैंड फॉर टू ईयर्स सो फॉर टू ईयर्स आई विल बी देयर फॉर अराउंड टू मंथ्स फॉर टू मंथ्स

I have been working here since June. So, you can see your fixed time, your fixed month, your fixed year hai, or date. We have been married since 2002. So, since 8 o'clock, since Monday, since February, since 1982, since I left school, since the end of the last century. Okay. So, it is about since and for so hope you understood since and for well so thank you dear students thank you for watching okay have a good day